Hey guys, I'm your friend Taruna and I hope you all are doing well. So today we are going to cover new subject and that subject is a part of paper 8 and section B of the IPC subject means that ki IPC jo paper hai uska jo subject 8 hai usme ek section B diya hua hai ek new subject ki tarah jise bolte hain economics for finance. And today we are going to cover that subject, right? तो subject पढ़ने से पहले we must know कि इसे क्यों पढ़ा जाए और इसमें कितने chapters आएंगे, ठीक है? और ये कितने marks का होगा? तो सबसे पहले हम इसकी वो देखें कि structure कैसा है इस exam pattern का. तो जैसे मैंने बोला था CA IPC का paper 8 financial management and economics for finance. इसके दो सेक्शन हैं. सेक्शन ए में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेक्शन बी कवर्स इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. तो सेक्शन बी में आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है? तो सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है, सिर्फ चार चैप्टर्स हैं. First one is the determination of a national income. Second chapter is public finance and third chapter relates to money market and fourth one is related with international trade, right? तो सिर्फ ये चार chapters ही आएंगे लेकिन इनके अंदर इनकी काफ़ी सारी units बनी हुई हैं. तो सबसे पहले हम chapter number 1 देखेंगे जो कि है determination of national income. लेकिन इन chapters को देखने से पहले we must know कि हम economics फॉर फाइनेंस क्यों पढ़े, है ना? इसके पीछे कोई रीज़न भी तो होना चाहिए कि हमें इंस्टीट्यूट ने ये वाला सिलेबस लगा के दिया है. तो चलिए उसका रीज़न देखते हैं. तो इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को हम स्टडी क्यों करें, इसके पीछे जो रीजंस बताए हैं, फर्स्ट बताया है इवॉल्विंग रोल ऑफ CA शिफ्ट टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. ऑलराइट, तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल था ना, वो जस्ट लिमिटेड था ऑडिटिंग तक और या फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस तक. लेकिन जैसे कि अब प्लेंथोरा, यू मीन्स टू से दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे कि बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, रेगुलेशंस आ गए हैं, लॉज इतने हो गए हैं, प्रोविजंस उनमें इतने हैं, चेंजिंग हो रहे हैं, लगातार चेंज आ रहे हैं प्रोविजंस में. तो काफ़ी सारी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है हमारे इकोनॉमी की. लाइक जैसे आपने देखा होगा बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो चुकी है इंटीग्रेशन के बाद, 1992 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी. तो 1992 से सारी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो गई है वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ. तो उसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ चुकी हैं हमारी इकोनॉमी में. तो आज सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट का रोल सिर्फ ऑडिटिंग या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक ही नहीं रह जाता, बल्कि उसको एक और रोल करना पड़ रहा है जो कि है ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर का, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके और ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्री के लेवल पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर जाके वो अपने सॉल्यूशन दे सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. तो इसलिए भी ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस ये लगाया गया है, क्योंकि ये हेल्प करता है एक चार्टेड अकाउंटेंट को एक कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के एनवायरनमेंट में गुड डिसीजन लेने का, जिससे वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण आ रही है. और दूसरी जो बताई है वो उन्होंने बताया है स्किल रिक्वायरमेंट एंड इंटरमीडिएट लेवल. तो इसमें इंस्टीट्यूट आपको लिख रहा है कि ये सब्जेक्ट लगाने के पीछे कारण ये भी है कि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे आने पे सिर्फ यही नहीं बताया जाता कि आपको नॉलेज लेनी है, बल्कि आपको उस नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में पुट करके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व भी करना है, ठीक है? तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल वे में पुट करना होगा, प्रैक्टिकली उसे एक्सरसाइज करना होगा नॉलेज को, ठीक है ना? तो इसलिए आप प्रैक्टिकल करो और अपनी नॉलेज के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, इसलिए भी आपको इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ना ज़रूरी है. तो थर्ड वन बताया गया है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस डायनामिक एंड इंटरेस्टिंग. इसमें उन्होंने बताया गया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं एक अपनी एंटिटी में, बिजनेस में,
रिलेटेड कि कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, लेकिन उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत हद तक इफ़ेक्ट डालती है इकोनॉमी। उसे अब फाइनेंस को लेके भी अगर कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है, अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजर है ना, फाइनेंस मैनेजर सॉरी, अगर उसको कोई डिसीज़न लेना पड़ रहा है तो उसके ऊपर भी इकोनॉमी का जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं वो भी काफ़ी हद तक अपना प्रभाव डालेंगी। इसलिए भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ना ज़रूरी है ताकि वो इकोनॉमिक्स के टूल को यूज़ करके जो फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व कर सके, क्योंकि ये डायनेमिक है, लगातार चेंज होने वाली है। बिज़नेस की जो एनवायरनमेंट है जो कि काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जिसमें इकोनॉमी भी बहुत हद तक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, तो इसलिए भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हमने बताया है फ्रेमवर्क ऑफ चैप्टर्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट। इसमें उन्होंने बताया है कि काफ़ी सारे इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। इन सबको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है उसमें कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा आप फॉरेन कैपिटल को इंडिया में इन्वेस्ट करवा सकते हो, लेके आ सकते हो। और दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस तरह से काम करता है और उसमें ट्रेड पॉलिसी का क्या रोल रहा है। ठीक है, तो यही थे इसके 4 रीजंस जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने बताया है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करने के कारण। और चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला चैप्टर देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और इस जो नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर 1 पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।